ओशो से हमें क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। ओशो ने इतना सब कुछ कहा है, इतना सब कुछ उनके नाम से छपा है कि अगर आप सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं तो कोई अंत नहीं है। इनफैक्ट जैसे आज की डेट में इंटरनेट आने की वजह से नॉइज़ एक शोर, नॉलेज का एकदम शोर हो गया है, कन्फ्यूजन हो गया है। इतनी ढेर सारा नॉलेज है कि हमको समझ में नहीं आता किस नॉलेज को सही माने, किसको हम एक्सेप्ट करें और किसको मान करके आगे काम करें। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ओशो ने इतना ज़्यादा बोला है कि हम लोग ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम माने। तो हमारा माइंड बड़ा चालाक होता है, जैसे कि आप मीडिया में देख रहे हैं कि जब हमारा सिस्टम वन किसी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाता तो उसके लिए गिव अप नहीं करता है हमारे माइंड का सिस्टम वन। तो वो क्या करता है, एक आसान सवाल लेकर आएगा और उसका आंसर दे करके सोचेगा कि मुश्किल सवाल को उसने हल कर दिया। अब स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अपने आप को इस फिजिकल एंटिटी से इवॉल्व करके एक नॉन फिजिकल एंटिटी, एक एनलाइटेंड बीइंग बनाना अपने आप में बहुत 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 मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है और कई जन्मों का काम है ये। लेकिन जब हम ओशो जैसे लोगों को सुनते हैं और वो बार बार स्पिरिचुअल बातों को आसान करके बताते हैं लेकिन हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम शॉर्टकट खोजते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ओशो से हम स्ट्रेट अवे सीख सकते हैं। तो एक हमने जो ओशो से सीखा है वो गलत है, उसको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और वो है बदतमीज़ी। जब तक ओशो रहे हैं उन्होंने अपने लेक्चर्स के ज़रिए बहुत से लोगों को टॉन्ट किया, बहुत से लोगों के लिए भला बुरा बोला। मैं चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन इसको ना यूज़ करे। खड़े हो आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हो, जब किसी से आपको अपनी बात कहनी हो तो उनसे बात करें, लेकिन बदतमीज़ी ना करें। ओशो का तरीका था वो अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ, अपने वाइस चांसलर से, जिसके साथ जो भी किया हो उन्होंने, उसके बाद जो भी उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा हो उसको हम नहीं जानते आज। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को देखता हूँ या मैं देखता हूँ अपनी लाइफ में, मैंने यूज़ किया है, इनफैक्ट मैंने इसको अनकॉन्शियसली ओशो की हरकत को अपनी हरकत बना लिया था और मैं भी इसी तरह से रिवोल्ट करता था अपने पेरेंट्स के खिलाफ, अपने सीनियर्स के खिलाफ, लेकिन उससे मेरा रिलेशनशिप कोई मजबूत नहीं हुआ, उससे केवल रिलेशनशिप और कमज़ोर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सुने, आपको लोग सुने, तो यू हैव टू लर्न टू बी पोलाइट। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ओशो से नहीं सीखनी है वो है इम्पोलाइटनेस। दूसरी चीज़ जो ओशो ने मुझे सिखाया है, ऑब्वियसली मैंने गलती करके सीखा है, और वो है खूब खुला खर्च नहीं करना, पैसे की बर्बादी ना करना। मैं देखता था ओशो भाई कह रहे हैं कि उनको रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है और उनके पास पर्याप्त पैसा होता था, हमेशा गाड़ियाँ होती थी, सब डोनेशन के पैसे होते थे, लोग उनको प्यार करते थे, उनको अपनी मर्ज़ी से गाड़ी, ज्वेलरी, कपड़े सब दिया करते थे। लेकिन अल्टीमेटली वो उनको पैसे का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता था। वो कहते थे कि पैसा जो है करंट की तरह है, बिजली की तरह है, उसको जितना दौड़ाओगे उतना ही तुम वो और आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली ओशो की जो रजनीशपुरम की जो कम्यून है वो अपने आप में इम्प्लोड हो गई, खाली पैसे की कमी की वजह से नहीं, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। तो ये क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा जो जोर था 93 रोल्स रॉयस स्टेटमेंट पर था अपने पैसे को यूज़ करके। और ये खाली ओशो नहीं करते हैं, करते थे मेरे आसपास में जितने भी यंगस्टर्स हैं जो पैसे की वैल्यू नहीं समझते वो यही करते हैं। अभी मैं एक हमारे जान पहचान के एक भाई साहब हैं, उनके घर में वो हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं, उनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, और घर में तीन गाड़ियाँ हैं, तीन कारें हैं, उसमें से मैं देखता हूँ दो कार तो हमेशा खड़ी रहती है, एक ही यूज़ करते हैं, अब वो चौथी लेकर आ गए हैं और बड़ी कार। किस लिए, उसी वजह के लिए, उसी लिए जिस लिए वजह से ओशो ने रोल्स रॉयसेस खरीदी थी, स्टेटमेंट दुनिया को सुनाने के लिए, बताने के लिए कि हम भी कुछ हैं। ओशो ने यही चीज़ बताने के लिए 93 या जो भी 100 या जो भी रोल्स रॉयसेस खरीदे हों, आज भी वो वहाँ पर कबाड़ की तरीके से उसको रीसेल किया जा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सेकंड चीज़ जो आपको ओशो से नहीं सीखना है वो है पैसे की बर्बादी, उन्होंने बहुत पैसे की बर्बादी की, आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ सेक्स को लेकर के जिस तरह से ओशो ने बात करी है उसकी वजह से बहुत से लोगों को ऐसा लगा है कि हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ अगर रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्स के प्रति एक बहुत लिबरल
लिबरल बल्कि कहने के बजाय ऐसा कहना चाहिए कि बहुत ओपन रवैया ओशो का रहा है, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है अगर कोई स्पिरिचुअल साधक है तो। अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं ढेर सारे पार्टनर्स के साथ, अलग अलग पार्टनर्स के साथ, तो आपकी लाइफ और डिस्ट्रैक्टेड होगी, डिसिपेटेड होगी, उससे कोई साधना नहीं होगी। अगर आपको ये लगता हो कि आप ढेर सारे लोगों के साथ सेक्स में जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी ऊर्जा उड़ जाएगी और आप सेक्स से समाधि की ओर जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। अगर आप अपने सेक्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो सेक्स में इन्वॉल्व होकर नहीं, सेक्स को समझ करके होगा। और उसको समझने के लिए आपको अपने खुद के इमोशंस को और अपने खुद की बॉडी को समझना होगा, और इन दोनों को समझने के लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा। सेंसिटिविटी बढ़ाना मतलब अपने एक लाइफ पार्टनर को समझना, उसको प्यार और करुणा देना। अगर आप एक लाइफ पार्टनर को प्यार और करुणा नहीं दे सकते तो आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने से उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे और उसके दलदल में फंसते जाएंगे। आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप और ज़्यादा परवर्टेड होते जाएगा और ज़्यादा एडिक्टिव होते जाएगा, और खाली सेक्स में नहीं रहेगा ये, फिर बाद में ड्रग्स में पहुँच जाएगा और पता नहीं कौन कौन से टाइप की चीज़ें आपको अपनी तरफ घसीटेंगी। तो ये भी आपको नहीं सीखना है ओशो से कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखें। एक लास्ट चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आपको बचना होगा ओशो की बातचीत से, मैं खुद जब मैं ओशो को सुनता हूँ, या था बल्कि पहले मैं ओशो को सुनता था, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं सुना, तंत्र पे, योग पे, जीसस क्राइस्ट पर, रमण महर्षि पर, जिस जिस का भी नाम लीजिए सबके ऊपर ओशो ने बोला, भगवद गीता पे, उधर मोहम्मद के कुरान पे, उधर बाइबल पे, सब चीज़ पे उन्होंने खूब 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 बोला। और जब इतनी ढेर सारी चीज़ों को आप सुनते हैं तो आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। एक तरफ आपको लगता है आप तंत्र भी कर सकते हैं, एक तरफ आपको लगता है आप योगी भी बन सकते हैं, एक तरफ आपको लगता है कि आप ज्ञानी भी बन सकते हैं, और ढेर सारे रास्ते आपके सामने खुले होते हैं। इससे केवल आपको एक डिसीजन पैरालिसिस आएगा जी। इसका मतलब यह है कि आपके सामने रास्ते सब खुले रहेंगे और आपको ये भी लगेगा कि आप सारे रास्तों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन किसी एक रास्ते पर आप चल नहीं पाएंगे। बिकॉज एक पर चलेंगे तो आपका माइंड दूसरे वाले रास्ते को पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि अपनी फुलफिलमेंट करवा सके। बहुत से लोग हैं जो ओशो को सुनने के बाद बोलते हैं कि हम तंत्र का रास्ता अपनाएंगे। तंत्र का रास्ता अपने आप में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमारी सबसे ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस को खुराक मिलती है, लेकिन हम वहीं जाएंगे। और जब कुछ दिनों बाद उसमें जाने के बाद फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तब हम योग पर आ जाएंगे कि अपने आप को तंत्र के बजाय, अपने आप को सेक्सुअल रिलेशनशिप में डुबोने के बजाय, हम घसीट करके अपने आप को इकट्ठा करेंगे और योग मिले जाएंगे। फिर योग को सुनते सुनते जब थोड़ा बोर हो जाएंगे तब हमको लगेगा नहीं नहीं हमको तो भक्ति करनी चाहिए, ओशो ने भक्ति के ऊपर बात करी थी, फिर हम भक्ति पर जोर देना शुरू कर देंगे। और कुछ दिन बाद जब भक्ति से बोर हो जाएंगे तो कहीं और आ जाएंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल अलग अलग चीज़ों को केवल ऊपर ऊपर से छू पाएंगे, गहराई में किसी में नहीं जा पाएंगे। ये मुझे तब एहसास हुआ जब मेरी लाइफ में ज़िनोगा आई, और तब से लेकर के आज ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, 14-15 साल हो, तब से योग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं तंत्र में जाऊँगा। मैं अब तो सारे के सारे डिवीज़न भी ख़त्म हो गए हैं। आप मुझसे पूछें कि कौन से वाद से, कौन से फिलॉसफी से, कौन से मेथड से आप स्पिरिचुअलिज्म को खोज रहे हैं, तो मैं खाली एक ही चीज़ को जानता हूँ, और वो है जेन योगा, या तो कहना चाहिए एक स्पिरिचुअल साइंस है। तो अगर आप सचमुच में स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं तो विज्ञान को पकड़िए, स्पिरिचुअल साइंस को पकड़िए। इतने ढेर सारे अलग अलग रास्तों को पकड़ करके कहीं ना पहुंचने के बजाय है एक को पकड़ करके बहुत दूर जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओशो की गलती नहीं है, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है और हमारी भी होती है कि हम कौन कौन सी चीज़ों से बचें। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा है जिसमें हज़ारों वाट का बल्ब या हज़ारों वाट की बिजली दौड़ रही है, और उसमें से अगर आपने छू लिया तो आप ख़त्म हो सकते हैं। ओशो ऐसे ही ढेर सारा नॉलेज का भंडार थे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता था, केवल हम लोगों को झटका लगता था बस। अगर आप सीरियसली चाहते हैं उनकी टीचिंग्स को यूज़ करना, तो उसमें से कुछ एक चीज़ को पकड़ करके, और वही एक चीज़ है जेन योगा, वही एक चीज़ है जो मैंने लेकर के अपनी लाइफ को पूरी तरह से साधना है, और वही आपकी लाइफ का भी हिस्सा बन सकता है। थैंक यू सो मच। अपने आप में जेनोगा एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र, कृष्णा की भगवद गीता, लाओत्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन जेनोगा एडवांस कोर्स।
पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं, जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हों। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। थैंक यू सो मच।